everyone, hope you are well. This is me, Alina Junaid. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है जो मैं सारे कंटेंट डाल ली हूँ, जो ब्लॉग डाल ली हूँ, वीडियो डाल ली हूँ, आपको पसंद आ रही होगी. और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू. लेकिन जब भी वो वीडियो देखें प्लीज़ सबसे पहले लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर दें. और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और ये वाली वीडियो वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी फ़ौरन जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कॉमेंट भी कर दीजिए. आज जो वीडियो है वो उन पेरेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपने बेबी के साथ ट्रैवल करने वाले हैं या उनको इस बारे में इन बातों का नहीं पता है. तो आज की वीडियो मैंने सोचा कि मैं उनको लिए बता दूं उनके लिए, ताकि ये फ़ायदेमंद हो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूं. तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से गुजरें. तो उससे पहले मेरी ट्रैवल करने से पहले मेरी ये वीडियो पूरी ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी. तो आज जो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो आप लोग को जब आप ट्रैवल बच्चे के साथ करें तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. तो पहले हम जो आते हैं जो चीज़ें आपको करनी चाहिए बेबी के साथ ट्रैवल करने में, प्रैम की जो बात है, प्रैम जो है आप लोग फर्स्ट डे से ऐसे ही लें जो जैसे जब उसको बंद करते हैं तो वो एक छोटी सी बन जाती है. आजकल इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बना दी हैं कि वो जब खुलती है तो प्रॉपर प्रैम होती है और जब बंद हो जाती है तो वो एक छोटी सी बन जाती है. तो ज़्यादा हैवी ना लें, और जिन्होंने ले ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैम जो है वो चाहे आप हॉलीडे पे कोई छोटी फ्लाइट हो या लंबी फ़्लाइट हो, प्रैम ज़रूरी है बच्चे के लिए. क्योंकि आपके पास वैसी इतनी चीज़ें होती हैं तो बच्चा प्रैम में हो तो ईजी रहता है हर जगह आपको ले जाना और सब कुछ. तो क्योंकि उसमें ही बच्चा सो जाता है, उसमें ही आपने दूध पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो प्रैम लाजमी है. मिल्क की बात आती है तो जो बॉटल्स हैं वो एक्स्ट्रा लेकर जाएं. ये नहीं कि जैसे एक बॉटल है वो पी रहा है बच्चा और वही आप ले गए उसमें बना रहे, जस्ट इन केस एक्स्ट्रा लेके जाएं, क्योंकि वो कहीं गिर सकती है, उसका लिड जो ऊपर का है वो खो सकता है. तो बेटर ये है कि आप दो तीन बॉटल रख लें ताकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है. बच्चे के टॉयज़ बहुत ज़रूरी हैं, चाहे छोटा बच्चा है, जिस टॉय जो टॉयज़ उसको ज़्यादा पसंद है वो टॉय रख लें ताकि उसका टाइम अच्छे से गुजरे. चाहे वो प्लेन में अगर बोर हो रहा है या उसको रो रहा है तो वो टॉय आप दे दें और वो उससे खुश हो, उससे खेले, और उसका जो प्लेन में बैठना है, सब कुछ सफ़र है, वो अच्छे से गुजरे. आपको भी परेशान ना करे और ख़ुद भी उस टॉय से खेले. बच्चे के एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाएं प्लीज़. उसका जो है एक बैग बना लें जिसमें ज़्यादा उसकी बॉटल्स और जो ज़रूरी ज़रूरी सामान है जो आप अपने पास रखेंगे, प्लेन में भी बैठ के अपने साथ रखेंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़े रखें. अगर कि उसने जैसे नैपी लीक हो गया है या उसने वॉमिट कर दी है या कुछ गिरा दिया है कपड़ों पे, तो उसका एक्स्ट्रा कपड़े हों. तो दो तीन जो है कपड़े एक्स्ट्रा रख लें ताकि आपको आसानी हो, आप जाके फॉरेन टॉयलेट जाएं, नैपी चेंज करें, नैपी वाइप्स, आपका नैपी बैग्स और रैश क्रीम और उसके कपड़े एक्स्ट्रा, बॉटल्स, ये बैग्स का बेबी का अलग से रखें ताकि आपको प्लेन में बैठ के कोई परेशानी ना हो. बेबी की मेडिसिन, तो जैसे अगर क्योंकि कुछ पता नहीं होता, थोड़ा बहुत बीमार हो, अगर आप कहीं जा रहे हैं वहाँ पे बच्चा बीमार हो गया है, अगर आपके क्योंकि एक बच्चे को एक मेडिसिन सूट कर जाती है कि भाई आपको पता है हर पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा जो है ये मेडिसिन जो है सीरप या जो भी है वो पी के वो बेटर हो जाता है, तो बेटर है कि वही आप अपनी रख के लेके जाएं. क्योंकि दूसरों पे ना रहे कि वहाँ जाके जब आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ जाके पहुँच जाएंगे तो वहाँ से ले लेंगे. अगर नहीं मिली वो वाली, नहीं हुई, डिफरेंट हो, उससे फ़र्क ना पड़े, तो बेटर ये है कि जो मेडिसिन आपके बच्चों को सूट कर गई है, जो सिरप आपके बच्चों को सूट करता है, वो आप लाजमी लेके जाएं. चाहे आप सूटकेस लेके जा रहे हों, चाहे वो आप हैंड कैरी लेके जा रहे हो, आपको वो अलाउ करते हैं. अगर आप हैंड कैरी भी लेके जा रहे हो तो बच्चे की मेडिसिन जो है वो अलाउ करते हैं, तो आप वो लाजमी लेके जाएं. सनस्क्रीन, अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ धूप होती है, ऑब्वियसली धूप होती है, तो बेटर ये है हर कहीं भी जा रहे हैं गर्मी होती है, धूप होती है, तो जिस तरह सनस्क्रीन हम सब के लिए ज़रूरी है उतना ही एक बच्चे के लिए ज़रूरी है. तो बेटर ये है कि सनस्क्रीन आप लाजमी रखें अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी. तो सनस्क्रीन जो है लाजमी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सन डैमेज, सन से बचाने के लिए, एक बेबी के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी सनस्क्रीन लेकर जाएं. बच्चों की अलग मिलती है, कहीं किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड की भी मिलती है, नॉर्मल भी ठीक होती है, आपने जो समझ आ रहा हो, जो सूटेबल हो बच्चे के लिए, जो उसको उसकी स्किन को ठीक लगे, वो आप सनस्क्रीन लाजमी लेकर जाएं. आपको पता है जब आप प्लेन में बैठते हैं तो जब टेक ऑफ होने लगता है, जब वो थोड़ा सा जहाज़ टेक ऑफ होता है, तो आपके कान जो हैं बड़ों के ही थोड़े से साउंड्स बजने लगते हो, तकलीफ़ होने लगती है, बंद हो जाते हैं कान,
तो बहुत अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन हम लोग बड़े हैं थोड़ा सा बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको रोना आता है, वो रोते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि उनकी भी वो सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो बेटर ये है कि आप डमी, जैसे ही आपको लग होता है कि जब ये जहाज़ प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने वाला है, तो आप उसके बेबी के जो मुँह में जो है वो डमी लगा दें या बॉटल लगा दें, तो उससे काफ़ी फ़र्क आ जाता है, तो फिर बेबी जो है इतना क्राई नहीं करता। तो ये है कि आप जब प्लेन टेक ऑफ करें तो लाजमी बॉटल या डमी, अगर आपका बच्चा डमी यूज़ करता है तो डमी, और जो बच्चे डमी यूज़ नहीं करते तो मिल्क बॉटल उसके उस वक्त लगा दें, ताकि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो ट्रैवल करेंगे बेबी के साथ, ये चीज़ें आप लोग भी लाजमी करें, इससे आप लोग को काफ़ी फ़र्क आएगा। मैंने ये सब चीज़ें करी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी फोर टाइम गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कयान है वो बिल्कुल ठीक किया था, वो ज़रा भी उसने नहीं तंग किया, ज़रा भी नहीं रोया, अब तो माशाल्लाह बड़ा भी हो गया है। तो उसके जितने भी उसने करे हम लोग के साथ, हम उसका जब प्लेन में जितना भी सफ़र रहा वो बहुत अच्छे से गुजरा। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल था, ज़रा मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम, जिनको ये बातें नहीं पता या जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे बेबी के साथ, तो मैं उनको ये बातें बता रही हूँ। तो अब चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो चीज़ें एक फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, या जिनको ये बातें नहीं पता, तो प्लीज़ वो ये चीज़ें ना करें, मैं बता रही हूँ आपको। तो बिना टाइम वेस्ट करें अब उसकी तरफ चलते हैं, चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। नैपी चेंज। सो नैपी चेंज जैसे जो होता है कि आप जब घर से निकलते हैं तो नैपी आप ज़रा तैयार व्यार करके निकलते हैं, बेबी को नैपी भी चेंज करवा के निकलते हैं, तो ऐसे ही प्लीज़ जब आपकी फ्लाइट का टाइम आए आप ऐसे ही प्लेन में ना बैठ जाएं। बेटर ये है कि प्लेन में बैठने से पहले एयरपोर्ट में ही फ़ौरन चेंज कर दें, चाहे वो नैपी फुल हो या नहीं। बेटर ये है कि अगर ज़रा सा भी हुआ नैपी हुई भी है फुल, तो आप उसको चेंज कर दें, ना कि आप जब प्लेन में बैठ जाएं और प्लेन जब टेक ऑफ हो जाए और आप बीच में उठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता आप कौन सी सीट मिली है, आप उठ रहे हैं परेशान हो रहे हैं बच्चे के साथ, तो और फिर लाइन लगी भी है टॉयलेट में, तो क्योंकि पता नहीं होता आपको फ्लाइट का। सो बेटर ये है कि आप जो है एयरपोर्ट पे या तो प्लेन में बैठने से पहले चेंज कर लें, या जैसे ही प्लेन में बैठें फौरन जाके बैठने से पहले सबसे पहले जाके नैपी चेंज करें, नैपी चेंज करके बेबी का सब कुछ करके फिर आराम से बैठें, ताकि आप आराम से आगे का सफ़र कर सकें। कोशिश करें कि बच्चे को जब वो घर से निकले एयरपोर्ट जाने के लिए, कोशिश करें, अपनी पूरी कोशिश करें, ज़्यादा बच्चे को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें कि बच्चे को जितना बातों में लगा सकते हैं, जितना खेल में लगा सकते हैं, जितना चीज़ों में लगा सकते हैं, कि वो सोए ना, वो बिल्कुल ना सोए, एयरपोर्ट पे भी बिल्कुल ना सोए, प्लेन में जब बैठे तो फ़ौरन जाके सो जाए, तो फिर जब टेक ऑफ भी करेगा तब भी कोई मसला नहीं होगा और आपकी फ़्लाइट भी बहुत अच्छे से गुजरेगी, जितना भी वो सोए उसमें। पॉइंट नंबर 3, अगर तो आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली फिर तो वो आपकी गोद में है, तो अगर आप उसको खुद पकड़ के खड़ा, इतना बड़ा है कि वो आप उसको पकड़ के खड़ा कर सकते हैं, तो उसको कोशिश करें कि उसको चीज़ें दिखाएं, उसको मतलब मूव करने देना, उसको ऐसे गोद में बिठा के ना रखें अगर एयरपोर्ट पर है, ताकि वो जब प्लेन में ज़ाहिर आपने एक जगह बैठना होता है, अगर प्लेन में बैठे तो आपको तंग ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट लेके जा रही हैं, फिर एयरपोर्ट पे भी वो गोद में बैठा हुआ है और फिर जहाँ प्लेन में भी जो है वो गोद में बैठा हुआ है, तो बच्चा इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो आपको परेशान करेगा। तो बेटर ये है कि उसको जितना, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसको एयरपोर्ट पर भागने दें, खेलें, उसके पीछे जाएँ, ताकि उसको थोड़ा सा चले, ताकि भी जब वो प्लेन में बैठे तो वो आराम से बैठ सके, कि वो इतना चल कर थक हार के वो आराम से बैठ सके। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा कि बच्चे को थोड़ा सा छोड़ दें खुला। पॉइंट नंबर 4 आती है मिल्क की बात। अगर फुल फैट मिल्क होता है जो बेबी उस पर है, तो ज़ाहिर है वो अलाउ नहीं करते आपको पूरी बॉटल लेके जाने के लिए, तो आपको ये लिए मसला है, क्योंकि ज़रा आप बॉटल बना के एयरपोर्ट लेके जा सकते हैं, आपकी बेबी ने पी ली है और फिर आप ज़रा उसको भूख लग गई है तो वो क्या पिएगा। तो या तो फिर यही है कि जब आप एयरपोर्ट पहुँचे तो उसी शॉप से कोई मिल्क अगर आपको मिले तो वहाँ से ले लें, ठीक है। तो आप ये जाने से पहले देख लीजिएगा कि आपने किस तरह जो है अपने मिल्क को किस तरह बच्चे को देना है और किस तरह रखना है, क्योंकि अभी मैं जब कैन के साथ गई थी, अभी हम लोग अंटालिया गए थे, मैंने जो ब्लॉग डाले आपने देखे होंगे, तो ज़ाहिर कयान जो है पहले जो है उस पर था पाउडर फार्मूला मिल्क पे, लेकिन फिर मैं इसको ये होल मिल्क जो होता है फैट मिल्क, फुल फैट मिल्क होता है, मैं उस पर इसको ले आई थी, फिर ये वाला दूध पीने लग गया। लेकिन अब जब हमने ट्रैवल किया तो मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि ये तो अलाउ नहीं है। सो मैं जो है इसकी 2 बॉटल्स लेके गई थी, 1 जो खाली थी और 1 जो है
फुल थी और वो बॉटल जो है मैं घर से मैं प्लाक लेके गई थी कयान को, और एक बॉटल जो है मैं एयरपोर्ट के लिए लेके गई थी। तो फिर कयान जा रहा है, बड़ा हो गया है तो खाना पीता भी, खाता पीता भी है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि इसको खिलाऊं, और वो जो बॉटल है वो जो है वो फिर भी आपको जो बॉटल में मिल्क होता है वो लेके जाने देते हैं फिर भी। सो उन्होंने मुझे फिर वो जाने दे दिया था। तो जब प्लेन जब टेक ऑफ हुआ तो मैंने कयान को ज़्यादा भूख लगी तो फिर मैंने वो मिल्क ला दिया। ऑब्वियसली 4 hours 30 minutes की कुछ फ्लाइट थी लेकिन उन्होंने जल्दी पहुंचा दिया था, तो इसमें उसने एक बॉटल पूरी पी ली थी। और फिर मैं उसके लिए, अब जो आपके बच्चे को स्नैक्स पसंद है जैसे रेजन्स, मेरे बेटे को रेजन्स बहुत पसंद है तो मैं वो रख के लेके चली गई थी, तो मैंने वो खिला दिए थे। फिर दूध की बॉटल भी पी ली थी, क्रिस्प वगैरह जो है वो अलाउ कर देते हैं, वो खा लिया था, तो इससे ये फ्लाइट का टाइम गुजर गया। तो आप लोग भी जाने से पहले ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि पाउडर मिल्क फिर जाने देते हैं लेकिन लिक्विड जो है बॉटल दूध, अगर फुल फैट वाला दूध है तो वो जाने नहीं देते। या तो आप फिर एयरपोर्ट से लें, या आपने जिस तरह भी आपका बेटा जो बेबी है वो आप कर सकते हैं उसको उस तरह से मैनेज करके करके जाए। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अभी मैं अंटालिया जब गई थी तो सारे ये प्लेन जो है छोटी फ्लाइट थी, छोटा जहाज़ था, तो इसके अंदर जो है वो ब्लैंकेट और जो ब्लू वगैरह जो होता है जो बड़ी एयरलाइन में जो देते हैं वो इसमें नहीं था। अब मैंने जो है, और ज़ाहिर प्लेन में ज़ाहिर ठंड हो जाती है बच्चे को, ज़ाहिर बेबी के लिए तो ठंड होती ही है, मैं लेकिन नहीं गई थी। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि जो है उन, क्योंकि उसके वो लोग छोटी फ्लाइट वाले ब्लैंकेट और ब्लू वगैरह नहीं देते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप छोटी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और छोटी जो भी है तो आप प्लीज़ अपना बेबी के लिए ब्लैंकेट या अपने लिए भी ब्लैंकेट ब्लू वगैरह लेकर जाएँ ताकि आपको वहाँ पर जाके कोई मसला ना हो। पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर आपका बेबी जाने से पहले, ट्रैवल करने से पहले थोड़ा सा बीमार है, ट्रैवल के दौरान कोशिश करें कि उसको सॉलिड फूड ना खिलाएं, कोशिश करें कि उसको जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं उस पर रखें, जूसेस, वाटर, मिल्क इस पर रखें, क्योंकि जाहिर है अगर सॉलिड फूड खाए और उल्टी कर दी फिर ये आपके लिए ट्रैवल में परेशानी हो जाएगी। तो बेटर ये है कि उसको इन चीज़ों पर रखें सॉलिड फूड जब तक कि ना दे, जब तक कि वो बेटर ना हो जाए। तो ये थे पॉइंट नंबर 6। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो है क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी वीडियो को जो है देखेंगे और मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। सो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्प करेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाऊंगी। लेकिन अभी के लिए ज़ाहिर मैं ट्रैवल करके आई हूँ तो मैंने सोचा कि ये वीडियो लाजमी है उन पेरेंट्स के लिए जो ज़ाहिर बेबी जिनके पास है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।